जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार बीईडी नई एडमिशन फॉर्म 2024 जारी कर दिया गया। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है, तो सारी इस जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो पोस्ट यहाँ पर 37,350 पोस्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं पेपर के कटिंग की सहायता से आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि पेपर की कटिंग पड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गैर नोडल संस्थान। दोस्तों यहां पे बता दूं कि 2 वर्षीय बीएड 300 से अधिक कॉलेजों में नामांकन के लिए अगले हफ्ते से होगा आवेदन। यहां पे आपको साफ साफ दोस्तों बता दिया गया है, और यहां पे बोला गया है 2 वर्षीय बीएड कॉमन एंट्रेंस जो होते हैं टेस्ट 2024 यहां पे आयोजन का एक बार फिर से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा करने वाला है। उसके बाद यहाँ बताया कि राजभवन द्वारा उक्त वीवी एंट्रेंस टेस्ट को और नामांकन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए यहाँ पर नोडल संस्थान मतलब बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दोस्तों बताया गया है कि जाने यहाँ पर कि अधिसूचना जारी करने दी गई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कि दिया गया विश्वविद्यालय कुलपति यहाँ पर संजय कुमार चौधरी द्वारा प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता को राज्य नोडल पदाधिकारी भी नियुक्ति कर दिया गया। साथ ही बीएड नामांकन प्रक्रिया की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अगले सप्ताह में मतलब इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह में नामांकन नोडल यहां पर जारी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि मार्च के दूसरे सप्ताह में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। पिछले साल राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के यहाँ पे 342 कॉलेजों में 37,350 यहाँ पे देख सकते हैं सीटों पर नामांकन प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद इस बारे देख सकते हैं कि फिर 340 से अधिक कॉलेजों में करीब 37,000 या उससे अधिक सीटों पर यहाँ पर नामांकन का यहाँ पे होने का उम्मीद होने वाला है। तो बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राजभवन द्वारा संधारित है कॉलेजों को सूची जांच करने के लिए मंगाई गई है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जांच जो होगा यहाँ पे पूरा प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। जाँच के जो मतलब कॉलेज नामांकन मापदंड को पूरा नहीं करते हैं उन्हें प्रक्रिया से बाहर मतलब निकाल दिया जाएगा। कॉलेज में यहाँ पर पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा मतलब जरूरी है, साथ ही यहाँ पे नए सत्र मतलब मान्यता जरूरी है। उस तभी नामांकन के लिए यहाँ पे कॉलेजों द्वारा मतलब सूची यहाँ पे शामिल किया जाएगा। नोडल अशोक कुमार मेहता ने बताया कि अगले हफ्ते यानी अगले सप्ताह में यहाँ पे नामांकन मतलब शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तुरंत ही देख सकते हैं बोला गया कि तुरंत बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मतलब शुरू कर दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि चूँकि इस बार मतलब कम से कम यहाँ पे बताया गया है कि इसीलिए प्रक्रिया तेज़ी से यहाँ पे की जा रही है ताकि नामांकन समय में को पूरा सत्र मतलब समय से पहले हो जाए। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी खबर है, और जैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है वैसे मैं वीडियो कॉल बना के आपको जानकारी दे दूंगा कि मतलब क्या क्या लगने वाला है। तो चलिए आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करने बेल का एकदम जरूर दबाएँ, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।